दोस्तों, और कैसे आप सब गाइस। आई हूँ मैं अपने चैनल पे बहुत टाइम बाद, जानती हूँ बहुत टाइम बाद, माफ़ी चाहती हूँ। बट हाँ, एज यूजुअल मैं जैम पैक हो जाती हूँ बीच में, बहुत सारे काम हो जाते हैं मुझे। एक्चुअली क्या है कि लाइफ में बहुत सारे चेंजेस थे, मैंने आपके साथ डिस्कस भी करे थे। आई वॉज ब्लेस्ड बाय अ बॉय, बेबी बॉय, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो रिकवर करने में टाइम लगता है। और उसके बाद तो जब तक रिकवर करे थी, अब एकदम बम्बार्डमेंट आ गई है दुनिया में, और आप सब उससे जूझ रहे हो गए। वो है कोरोना, या कोरोना वायरस, COVID-19 पूरी दुनिया में फैल रहा है। उसके चक्कर में इतना लोड बढ़ गया था घर में कि मैं नहीं टाइम दे पा रही थी यूट्यूब को। बट अब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो गई हूँ, थोड़ा सा बेबी भी बड़ा हो गया है, तो अब थोड़ा सा सिस्टम बनाया है कि नहीं, टाइम निकालना है, वीडियो शूट करना है और आपके सामने लाना है। तो हाजिर हैं हम सुरस्वीट चैनल पे आपके लिए, आपकी खिदमत में बढ़िया से वीडियो लेकर। और सबसे ज़्यादा खुशी आप मानोगे इस लॉकडाउन पीरियड में मुझे किस चीज़ की हुई कि आई वॉज नॉट अपलोडिंग वीडियो, जो कि मुझे करने चाहिए थे। बट बिकॉज बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मुझे मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, रोज़ इतने कमेंट्स आए आप लोगों के रोज़, और मैं सारे पढ़े हैं और सबके मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जवाब दूँ। और मतलब व्यूज़ मेरे चैनल के बिल्कुल भी कम नहीं हुए, ये मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। पीपल आर लविंग माई चैनल, और मेरे इतने नए सब्सक्राइबर्स आए हैं। तो ये जो कमेंट्स होते हैं आपके, ये जो आपके व्यूज़ होते हैं, ये जो आप इतने अच्छे अच्छे चीज़ें मुझे लिखते हैं, ये ही मुझे बूस्ट देता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इसलिए फिर से आई एम बैक अगेन विद लॉट ऑफ एनर्जी, और बहुत अच्छे वीडियोस मैंने, लेकिन सोचती थी, मतलब एवरी डे मैं सोचती थी, और मैंने डायरी मेंटेन कर रखी थी, और उसमें मैं सब कुछ लिखती थी, कौन कौन सी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो सब लिखी हैं। वो सारे वीडियोज़ अब आपको आने वाले समय में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और कुछ प्रॉब्लम्स जो मैं मतलब डेली बेसिस पे, उसमें कुछ मैं वीडियोस और भी इंकल्केट करना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से माहौल इस दुनिया में हो रखा है, हम सब लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हम सब लोगों का सोचने का तरीका चेंज हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में चेंज करी हैं, वो सब मैं कोशिश करूँगी कि अपने वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँ, आपके साथ लाऊँ, और उसी तरह से कई वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पर। जैसे अभी जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ही मैं आज का अपना वीडियो लेकर आई हूँ गाइस। हम सब प्रॉब्लम कोरोना की फेस कर रहे हैं, और वो वायरस ऐसा है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पूरी दुनिया एकदम एक लेवल पे आ गई है, स्टैंड स्टिल पे आ गई है। अब किसी को नहीं पता व्हाट इज़ आवर फ्यूचर, हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। बट हमें हौसला रखना है और हमें मेहनत करनी है। और उसी तरह से एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने देखा था जो सब फेस कर रहे थे कि कैसे चीज़ों को हम सैनिटाइज करें, ये बड़ी दिक्कत आ रही थी। क्योंकि हम अपने जैसे डोर नॉब्स हैं या बाकी चीज़ें, अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेते हैं, अपने कपड़ों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं, बट जो चीज़ें हमारी खाने की होती हैं उसको सैनिटाइज करने में हमें समझ नहीं आता हम कैसे सैनिटाइज करें। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, इवन हम लोग आपस में भी डिस्कस करते रहते हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी सिस्टर है, हम लोग आपस में भी डिस्कस करते हैं, तुम लोग क्या करें यार, हम लोग क्या करें, हम लोग ये करें, ये करें। बट मैंने जो सोल्यूशन निकाला है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप अपनी जो आपके घर में ग्रॉसरी आती है उसको कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, सो मुझे लगा मैं अपने चैनल पर दिखाऊँ। गाइस, जो चीज़ें ये चैनल मतलब ऐसा है आपको कि जो चीज़ें आप, हम लोग सब एक जैसे ही हैं, हम लोग की प्रॉब्लम्स भी एक जैसी हैं, तो जो प्रॉब्लम मैं फेस करती हूँ उसके मैं वीडियो बनाती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है कि उससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता है। तो जैसे हमारी ग्रॉसरी है, जैसे ये सपोज सूजी है मेरे पास, या और भी कोई चीज़ है, अब मुझे इसको सैनिटाइज करना है, ये मेरे घर आई है, सो इसको सैनिटाइज करने का, या इसको हम कैसे यूज़ करें, कब यूज़ करें, उसके बारे में बताऊँगी। सबसे क्योंकि इसमें क्या होता है, ये पैकेजिंग के बाहर कितने हाथ लगते हैं जब तक हमारे घर आते हैं, ऑनलाइन भी अगर हम खरीद रहे हैं तो उसमें भी कई लेवल्स होते हैं, होलसेल से वो अपने उनके गोदाम में आते हैं, वहाँ से कौन कौन उसको पैक कर रहा है, कौन उसे लेकर आ रहा है, सो ये काफ़ी हाथ लगते हैं। और उसमें से कौन, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हु इज फेसिंग COVID-19 प्रॉब्लम, तो हमें भी भैया वो वायरस हो जाएगा, या ले जाने में कोई किसी सरफेस पे, गलत सरफेस पे रख दिया गया है, फिर हमारे घर आया है, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो सामान हमारे घर आ रहा है उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वायरस की होती है।
अब इसका क्या सलूशन करें भाई, इसको तो सैनिटाइजर से सैनिटाइज नहीं कर सकते, ऑफकोर्स ये एक प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। सो उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली बात है कि आपके घर में जब भी ग्रॉसरी आती है आप उसको थोड़ी देर के लिए एक कोने में छोड़ दें, क्योंकि सरफेस से अगर आप उसको छुएंगे उसमें वायरस हुआ, आपने अपना फेस छू लिया, आपने अपने बच्चों को छू लिया, तो आपके हाथ में है वायरस, सो वो आपके घर में फैल सकता है। सो व्हाट आई डू इज, जब भी मेरे घर में ग्रॉसरी आती है, मोस्टली मेरे घर में ग्रॉसरी मैं ऑनलाइन ही खरीद रहे हैं आजकल, क्योंकि आप नहीं मानेंगे मैं बिल्कुल रेड जोन में रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली अच्छा खासा रेड जोन है, और दिल्ली के भी जो रेड जोन के भी जो बहुत हाई लेवल का एकदम गरम गरम लाल लाल वाला जो एरिया है वो मेरा है। सो हाउ आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ। सो व्हाट आई डू इज, जब भी ग्रॉसरी मेरे घर में आती है मैं उसको एक कोने पर रख देते हैं हम लोग, वी डोंट टच इट, मतलब बस ला के रखा और उसके बाद मैंने हैंड वॉश कर लिया अच्छे से, और उसको काफ़ी टाइम तक, कुछ घंटों तक हम उसे रख लेते हैं। अगर उसमें वायरस हुआ तो वो वहीं काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी कई बार रहता है कि कहीं और, या हमें कोई इसमें से कोई चीज़ इमिजिएटली यूज़ करनी है, अभी बिल्कुल ज़रूरत है उसकी, तो हम क्या करें उस पर मैं आज आपको बताऊँगी कि कैसे हम यूज़ करते हैं इसको। सैनिटाइज करने का बहुत ही सिंपल तरीका, इतना सिंपल है जो कि आप सबके घर में होता है उसको सैनिटाइज करने का। हम लेंगे लेमन। सो लेमन जो होता है, नींबू, हमारे घर में नींबू होता है, हम सबके घर में नींबू होता है। सो नींबू को लेना है और उसके अंदर क्या होता है, हमारा सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है, वो एंटी इन्फेक्टेंट होता है, उसमें अच्छी खासी लेवल ऑफ एंटी इन्फेक्टेंट्स होती है। सो उसको हमें क्या करना है, या तो आप किसी पानी में घोल कर एक दो बूंदे ले सकते हैं, व्हाट आई डू इज टिश्यू ले लेती हूँ, उसके ऊपर कुछ बूंदे मैं उसकी डाल लेती हूँ, और जो भी चीज़ को मुझे सैनिटाइज करना है उसको मैं उससे क्लीन कर देती हूँ टिश्यू से। तो जो जो प्रोडक्ट मुझे सैनिटाइज करना है मैं उसको आराम से कर देती हूँ, एंड गाइज आई हैव सीन दिस कि उससे प्रॉब्लम नहीं होती है, उससे आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट वी नीड टू बी स्टिल वेरी केयरफुल। लेकिन उसमें क्योंकि एंटी इन्फेक्टेंट होता है, विटामिन, उसमें विटामिन सी होता है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है विच इज़ एंटी इन्फेक्टेंट। आपको पता है कि नींबू जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जब खाना खाते हैं तो उसके बाद भी हम अपने हाथ बोल में उससे ही वॉश करते हैं, कई जगह पे जहाँ पे बोल सिस्टम होता है, तो फिंगर बोल्स जो आते हैं हमारे, तो उसमें नींबू ही पड़ा होता है, तो नींबू जो है वो काफ़ी हद तक कीटाणु को, गंद को साफ कर देता है। तो दैट इज़ वेरी नाइस थिंग, जो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसको काफ़ी अच्छे से ट्राई करती हूँ और मैंने देखा है इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, बिकॉज मी लिविंग इन अ रेड जोन एंड नॉट फेसिंग दैट प्रॉब्लम। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें गाइस, बल्कि मैं इस एरिया में रहती हूँ जो कि सील हो चुका है, हमारे बिल्कुल सामने ही वहाँ पे केस आया था तो हमारा एरिया सील हो गया, लेकिन स्टिल आई डू ऑल दीज थिंग्स जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। गाइस दिस इज़ द ओनली मंत्रा ऑफ लिविंग नाउ, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड आवर लव वंस। सो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, तो उसमें से एक ये चीज़ है, बिकॉज ग्रॉसरी की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और बहुत ज़्यादा वायरसेस ग्रॉसरी की वजह से फैल रहे थे, तो आई थॉट कि वाई नॉट गिव इट अ ट्राई, वाई नॉट शेयर इट विद यू गाइज। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो एक थम्स अप तो बिल्कुल बनता है, एंड अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे हैंडल सुरस्वीट के नाम से है। तब तक यार रहो, मुस्कुराते रहो, चिल्ड आउट रहो, मस्त रहो, हमसे जुड़े रहो, टेक केयर, बाय बाय।